रहीम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्रैब्स साइकिल को डिस्कस किया, क्रैब्स साइकिल में उसके ओवरऑल जितने भी स्टेप्स थे, जितने भी रिएक्शन थे, वो तमाम रिएक्शन हमने डिस्कस किए, और फिर एंड में हमने देखा कि जो क्रैब्स साइकिल है उसकी जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, उन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स में हमें दो मॉलिक्यूल मिले कार्बन डाइऑक्साइड के और तीन मॉलिक्यूल मिले NADH के और एक मॉलिक्यूल था FADH और एक ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ। ये मेन प्रोडक्ट्स थी क्रैब्स साइकिल के। तो क्रैब्स साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उन फीचर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्रैब्स साइकिल का जो फीचर है वो है कैटाबोलिक पाथवे। कैटाबोलिज्म कहते हैं जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। अब ये जो क्रैब्स साइकिल है एक मेन कैटाबोलिक पाथवे है जिसमें फैटी एसिड, जिसमें अमीनो एसिड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और उनके साथ साथ ये एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं। सेकेंड वन, एनर्जी यील्डिंग पाथवे। अब ये जो क्रैब्स साइकिल है, क्रैब्स साइकिल को हम हार्ट ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्रैब्स साइकिल आल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब इसका ये है, रेस्पिरेशन में सेंट्रल रोल क्रैब्स साइकिल प्ले करता है, यानी ये मेन स्टेप है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। इस स्टेप यानी एनर्जी यील्डिंग पाथवे में अगर हम देखें कि तीन NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं, NADH निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एनर्जी रिच कंपाउंड है। जो NADH है, दिस वन इज एनर्जी रिच कंपाउंड। जब NADH ये ब्रेक डाउन होगा तो ये एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। NADH2 की ब्रेकडाउन एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 52 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ये जो 52 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई है, इससे फिर सेंथिसाइज कर दिए जाते हैं ऑलमोस्ट 3 ATP के मॉलिक्यूल, यानी एक NADH2 से 3 ATP के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये मेन एनर्जी यील्डिंग पाथवे है। थर्ड वन, एनाबोलिक पाथवे। क्रैब साइकिल जैसे कि आप कैटाबोलिक पढ़ रहे हैं, साथ साथ ये एनाबोलिक पाथवे भी है। क्रैब साइकिल में जो मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो भी सिंथेसाइज किए जाते हैं। जैसे क्रैब साइकिल में आपने एक पहला जहां से स्टेप स्टार्ट किया एसिटाइल कोएंजाइम ए था, उस एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड सिंथेसाइज हो जाते हैं। फिर क्रैब साइकिल में बनता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, उससे ग्लूटामेट, इस तरह इससे रिलेटेड अमाइनो एसिड्स भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। तो ये मेन एनाबोलिक पाथवे है। लास्ट वन, होम्योस्टेसिस। क्रैब साइकिल मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ द सेल। अब देखें, अगर सेल के अंदर ATP और NADH2, अगर इनका लेवल ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्रैब साइकिल को स्टॉप किया जाएगा। क्रैब साइकिल की इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसमें डीहाइड्रोजिनेजेस हैं, सिट्रेट सिंथेटेजेस हैं, ये एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं। जब ये लेवल राइज करेगा तो क्रैब साइकिल को हम स्टॉप करवा देंगे, रिड्यूस कम कर देंगे। अगर सेल में AMP, NAD+, अगर इनका लेवल हाई होगा तो क्रैब साइकिल को एक्सेलरेट कर दिया जाएगा। तो इसके नतीजे में बॉडी की, सेल की ओवरऑल होम्योस्टेसिस मेंटेन होगी। ठीक, सो ये क्रैब साइकिल के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो कि क्रैब साइकिल के साथ साथ इन इंपॉर्टेंट फीचर्स का पता होना भी बहुत जरूरी है। इससे मुताल्लिक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।